अध्ययन विषय के अंतर्गत हम इकाई दो का अध्ययन कर रहे थे। इकाई दो के अंतर्गत अध्याय चार का हम अध्ययन कर रहे हैं, व्यावसायिक संगठन के जो विभिन्न स्वरूप हैं जिनमें हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं, एकल स्वामित्व या एकल व्यवसाय, दूसरा था संयुक्त हिंदू परिवार के द्वारा किया जाने वाला व्यवसाय, तीसरा था साझेदारी, और अब हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे सहकारी समितियों का। तो सहकारी समिति क्या होती है? जैसे सहकारी नाम से स्पष्ट है, सह मतलब साथ साथ, कार्य मतलब मिलकर कार्य करना। तो सहकारी समिति का यहाँ जो तात्पर्य है कि साथ साथ मिलकर कार्य करना, और साथ ही हम कंपनी के भी कुछ अंश का हम यहाँ अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम सहकारी समितियों से आशय जानेंगे क्या है, सहकारी समितियों की विशेषताएं क्या हैं, उसके प्रकार कौन कौन से हैं, और साथ ही कंपनी के अध्याय के अंतर्गत कंपनी का आशय, उसका अर्थ, उसकी विशेषता, कंपनी के प्रकार, और साथ ही यहाँ पर हम जो विभिन्न प्रकार कंपनी के उनके बारे में यहाँ हम अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं सहकारी समितियाँ क्या होती हैं। यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जिनको हम सहकारी समितियाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं, तो सहकारी संगठन का जो उदय है वो अन्य व्यवसायिक प्रारूपों को की कमियों को दूर करने के लिए हुआ है। सहकारी संगठन का जो उद्देश्य है वो अधिकाधिक लाभ कमाना ना होकर सदस्यों की सेवा भावना है। सहकारी संगठन का प्रमुख सिद्धांत पारस्परिक सहायता होता है, अर्थात दूसरों की सहायता द्वारा अपनी सहायता। तो यहाँ हमने देखा कि ये जो संगठन बनते हैं, ये इनका उद्देश्य सेवा भावना को ध्यान में रखते हुए, अपने सदस्यों के हित को ध्यान में रखते हुए लाभ कमाना इनका उद्देश्य होता है। तो लाभ कमाना उद्देश्य तो है ही साथ में, लेकिन सदस्यों की सेवा भावना पहले है। यहाँ जो अर्थ है, सहकारी समिति एक स्वैच्छिक संघ है, मतलब कुछ लोगों के द्वारा मिलकर बनाया हुआ एक इच्छानुसार संगठन है, जिसमें सीमित साधन वाले लोग आपस में मिलजुल कर समानता के आधार पर लाभ प्राप्ति हेतु नहीं बल्कि सदस्यों की सेवा व सहायता के उद्देश्य से तथा प्रजातांत्रिक विधि से व्यवसायिक तथा आर्थिक क्रियाओं का संचालन करते हैं। तो यहाँ हमने जाना परिभाषा में कि एक प्रकार का क्या है, स्वैच्छिक संगठन। स्वैच्छिक संगठन में जो लोग सदस्य हैं वो अपने साधनों से मिलजुल कर समानता के आधार पर लाभ प्राप्ति के लिए जो है आपस में सदस्यों की सहायता के लिए एक संगठन तैयार करते हैं, जिससे आर्थिक क्रियाओं का और व्यवसायिक क्रियाओं का ये संचालन करते हैं। अब यहाँ जो इसमें सदस्यों की संख्या है, सहकारी समिति का जब हम गठन करते हैं तो कम से कम इसके लिए हमें 10 सदस्यों की आवश्यकता होती है। सहकारी समिति का भारतीय सहकारी समिति अधिनियम 1912, ये ध्यान रखें आप, भारतीय सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अंतर्गत पंजीकरण अनिवार्य है। यहाँ पर सहकारी समिति की जो पूंजी होती है वो अंशों में विभक्त होती है जो सदस्यों द्वारा जुटाई होती है। अंश से यहाँ पर तात्पर्य कि एक भाग या एक हिस्सा, अर्थात सहकारी समिति की जो कुल पूंजी है उसको विभिन्न छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है, और ये प्रत्येक भाग जो है सदस्यों के द्वारा इसको पूरा किया जाता है। साथ ही ये राज्य या केंद्रीय सरकारी बैंकों से ऋण के रूप में भी अतिरिक्त संसाधन प्राप्त कर सकती है। तो सहकारी समिति जब यहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाती है तो सहकारी समिति के सदस्यों के द्वारा जो पूंजी लगाई जाती है उसके साथ साथ ये लोग जो हैं राज्य या केंद्रीय सहकारी बैंकों से भी ऋण के रूप में अतिरिक्त संसाधन प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ हमने ये जाना कि सहकारी समितियाँ क्या हैं। आगे हम देखेंगे सहकारी समिति की विशेषता क्या है या लक्षण क्या है। तो पहला है स्वैच्छिक सदस्यता, जो अभी मैंने बताया कि सहकारी समिति की सदस्यता जो होती है कैसी होती है, स्वैच्छिक होती है। इसका अर्थ ये है प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा से इसका सदस्य बन सकता है और अपनी इच्छा से ही स्वतंत्रता पूर्वक उसे छोड़ भी सकता है। तो यह है स्वैच्छिक, इच्छानुसार सदस्य बन सकता है। दूसरा है समान मताधिकार। सहकारी समिति में एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत अपनाया जाता है, एक सदस्य के पास एक ही मत होता है चाहे उसके पास कितने भी अंश हों। इस प्रकार सहकारी समिति सभी सदस्यों की समानता को मानती है। यहाँ पर इस बात का आशय यह है कि सहकारी समिति का
एक व्यक्ति एक सदस्य कहलाता है, उसके पास जो है उस सहकारी समिति के कितने भी अंश हों लेकिन वो एक मत ही उसके पास होता है। इस प्रकार से सभी सदस्यों की समानता को मानती है। तो समान मताधिकार, फिर पृथक वैधानिक अस्तित्व। सहकारी समिति जो है भारतीय सहकारी अधिनियम 1912 के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है, इसे एक पृथक वैधानिक अस्तित्व प्रदान करता है रजिस्ट्रेशन जो हम कराते हैं। फिर निगमित संस्था होने के कारण इस पर सरकार का नियंत्रण भी रहता है। तो जो सहकारी समिति है जो रजिस्टर्ड होती है भारतीय सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अंतर्गत, उस पर सरकार का भी नियंत्रण होता है। फिर प्रबंध, सहकारी समिति का प्रबंध सदस्यों द्वारा चुनी प्रबंध समिति द्वारा चलाया जाता है जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर इसका प्रबंध चलाती है। सदस्यों को ऐसे प्रबंधकों व पदाधिकारियों को हटाने का अधिकार होता है जो समिति के हितों को ध्यान में रखकर कार्य नहीं करते। इसके बाद फिर सेवा भावना, जैसा कि बताया था सहकारी समिति का मुख्य उद्देश्य सेवा करना होता है, ना कि अधिकतम लाभ प्राप्त करना। तो जो भी समिति तैयार की जाती है ये सदस्यों के हितों को ध्यान में रखकर की जाती है, सदस्यों को सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से की जाती है। फिर अधिशेष का बंटवारा, सहकारी समिति को चूंकि लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं चलाया जाता परंतु इसके लेन देन से वर्ष के अंत में जो अधिशेष या लाभ प्राप्त होता है उसे न्यायपूर्ण विधि से समानता के आधार पर सभी सदस्यों में बांट दिया जाता है। तो ये है सहकारी समिति की विशेषता या उसके लक्षण। अब यहाँ हम देखेंगे सहकारी समिति के प्रकार कौन कौन से हैं। हम विभिन्न प्रकार की समितियों के नाम आमतौर पर सुनते हैं, जैसे उपभोक्ता सहकारी समिति, उत्पादन गृह निर्माण सहकारी समिति। तो ये समितियों के जो प्रकार हैं इसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। सबसे पहला है उपभोक्ता सहकारी समिति। उपभोक्ता अर्थात जो ग्राहक, जो हम आप हैं। उपभोक्ता सहकारी समिति की स्थापना उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए की जाती है। एक समिति बनी होती है जिसमें जो सदस्य होते हैं जो उचित कीमत पर अच्छी वस्तु खरीदना चाहते हैं, तो ये समिति क्या करती है, थोक व्यापारी से थोक में माल को खरीदती है और फिर अपने ही सदस्यों को उचित मूल्य पर बेचती है। तो यहाँ हम जब देखते हैं कि जब माल उत्पादित होता है कंपनी से तो उसके जो एजेंट हैं या प्रतिनिधि हैं, फिर उसके बाद थोक व्यापारी हैं, फिर उसके बाद फुटकर व्यापारी हैं, फिर फुटकर व्यापारी से होता हुआ माल किसके पास आता है, उपभोक्ता के पास। तो ये जो बिचौलिए हैं इनको इससे समाप्त हो जाते हैं ये। तो यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्ट जो समिति है वो उत्पादनकर्ता से माल को खरीदती है उचित कीमत पर और उसी वस्तु को उचित कीमत पर अपने सदस्यों को बेच देती है। फिर समिति को माल के विक्रय से जो लाभ प्राप्त होता है प्रत्येक सदस्य को उसकी क्रय की मात्रा के अनुसार शेयर लाभांश के रूप में बांट दिया जाता है। तो यह है उपभोक्ता सहकारी समिति। दूसरा है उत्पादक सहकारी समिति। ये समितियां जो है छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए बनाई जाती है। इनका उद्देश्य छोटे उत्पादकों की सौदा शक्ति को बढ़ाना है। ये अपने सदस्यों को कच्चा माल व अन्य उपकरण व साधनों को उपलब्ध कराती है और उनके द्वारा तैयार माल को बाजार में बेचती है, प्राप्त लाभ को अपने सदस्यों के बीच में बांटती है। तो ये क्या करती है, इसके जो सदस्य हैं उन सदस्यों को ये कच्चा माल और अन्य उपकरण जो है साधन के रूप में उपलब्ध कराती है और फिर तैयार माल को उनसे प्राप्त करके बाजार में बेचती है और लाभ जो होता है सदस्यों को बांटती है। इसके बाद है विपणन सहकारी समिति। ये क्या करती है, छोटे उत्पादक जो हैं उनके लिए ये विक्रय का काम करती है, ये बिचौलियों को समाप्त करती है, उत्पादकों की बाजार में प्रतियोगितात्मक स्थिति को सुधार करती है। ये समिति अपने सदस्यों का माल एकत्रित करके उनका उपयोगीकरण प्रमापीकरण करती है। फिर विपणन से जुड़े हुए जो कार्य हैं जैसे परिवहन, माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना, भंडारण जब तक माल बिक न जाए उसको गोदाम में सुरक्षित रखना, पैकेजिंग माल को क्वांटिटी के अनुसार मात्रा के अनुसार उसको बेहतर से बेहतर ढंग से पैकिंग करना, पैकेजिंग कहलाता है, ये सब करती है जिसके अनुसार उत्पादकों को अधिकतम कीमत प्राप्त हो सके और जो भी लाभ होता है
फिर उस लाभ को उत्पादन के अंश के अनुसार सबके बीच में बांट दिया जाता है। तो ये तीसरा प्रकार जो है विपणन सहकारी समिति। फिर चौथा प्रकार है सरकारी गृह निर्माण समिति। अब यहाँ पर गृह निर्माण मतलब घर मकान, ये क्या करती है, ये सहकारी समिति जो होती है ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो अकेले गृह निर्माण की समस्या का समाधान नहीं कर सकते। ये समितियां क्या करती हैं, सबसे पहले अपने सदस्यों को तैयार करती हैं और सदस्यों को तैयार करने के पश्चात सस्ती दर पर कहीं इकट्ठी जमीन खरीदती हैं, उस जमीन का विकास करती है, उसमें नाली पानी रोड लाइट इसका विकास करती है, फिर उस पर कम से कम लागत का घर बनाकर अपने सदस्यों को बेचती है। तो सरकारी गृह निर्माण समिति के माध्यम से जो है सदस्यों को सस्ती दर पर जमीन प्राप्त हो जाती है, साथ ही सरकार से अनेक सुविधाएं जैसे नीची ब्याज दर पर ऋण प्राप्त हो जाता है, स्टाम्प व पंजीकरण शुल्क में भी काफ़ी छूट इन्हें प्राप्त होती है। इस प्रकार सदस्यों को कम लागत पर मकान प्राप्त हो जाते हैं तथा इन्हें वो किस्तों में भुगतान करते हैं। तो यह है सरकारी गृह निर्माण समिति। उसके बाद सहकारी कृषि समितियाँ। इस प्रकार की समितियाँ छोटे किसान द्वारा स्वेच्छा से बनाई जाती हैं ताकि उन्हें उचित कीमत पर अच्छे कृषि संसाधन उपलब्ध हो सकें। आमतौर पर किसानों को जो है कृषि संसाधन बेहतर से बेहतर प्राप्त नहीं हो पाते, इसके लिए वो क्या करते हैं कि अपनी समिति बनाते हैं और समिति के माध्यम से जो कृषि संसाधन है उनको खरीदते हैं। तो इसमें सदस्य सामूहिक रूप से मिलजुल कर कृषि कार्य करते हैं। इसका उद्देश्य बड़े पैमाने की खेती के लाभ प्राप्त करना और उत्पादकता बढ़ाना है। ये समितियाँ जो हैं सदस्यों को सिंचाई, श्रेष्ठ किस्म के बीज खाद, बेहतर से बेहतर टेक्निकल औजार, कीटनाशक दवाएं आदि सुविधा उपलब्ध कराती हैं जिससे कृषकों की उत्पादकता वृद्धि होती है। साथ ही ये लोग मिलकर जो है बड़ी जोत बनाकर उसमें कृषि कार्य करते हैं तो छोटी छोटी जोतों की समस्या भी हल हो जाती है। फिर है सहकारी साख समिति। सहकारी साख समिति मतलब ऋण समिति। इसका गठन जो है सदस्यों को अपेक्षाकृत कम ब्याज की दर पर उचित शर्त पर ऋण उपलब्ध कराना है। जो छोटे लोग हैं उनको यदि बैंक से या अन्य स्थानों से अधिक ब्याज पर ऋण प्राप्त होता है ऐसी स्थिति में सहकारी साख समितियां जो हैं अपने सदस्यों को कम से कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराती हैं। इन समितियों का जो उद्देश्य है वो क्या है, महाजनों से मुक्ति दिलाना जो अधिक ब्याज दर पर उन्हें ऋण प्रदान करते हैं। इसमें सदस्य लोग क्या करते हैं अपनी अंशदान तथा सरकारी अनुदान से समिति की जो पूंजी एकत्रित होती है उससे ये ऋण प्राप्त करते हैं। इस ऋण पर ब्याज की दर क्या होती है, अपेक्षाकृत नीची होती है। इस प्रकार ये समितियां जो है गरीब सदस्यों की संख्या की साख को आवश्यकताओं को पूरा करती है, अर्थात जो सदस्य अधिक ब्याज पर पूंजी को प्राप्त नहीं कर पाते उन्हें कम से कम ब्याज दर पर यहाँ पर सहकारी साख समिति के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो ये भी हमने जाना यहाँ पर सहकारी समितियों के प्रकार के बारे में। अब हमारा जो पांचवा बिंदु व्यवसायिक संगठन के स्वरूप के अंतर्गत, जैसा कि बताया था पहला स्वरूप हमने अध्ययन किया था एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय, दूसरा संयुक्त हिंदू परिवार वाले व्यवसाय, तीसरा हमने अध्ययन किया था साझेदारी और चौथा सहकारी समितियाँ जो अभी हमने अध्ययन किया। अब पांचवा बिंदु जो इसमें आता है वो है कंपनी। कंपनी क्या है, कंपनी के बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। तो जैसा कि हमने एकल स्वामित्व में देखा था, साझेदारी में देखा था, सहकारी संगठन में देखा, वहाँ पर पूंजी की सीमितता होती। जैसे एकल स्वामित्व में एक अकेला व्यक्ति पूंजी लगाने वाला होता है, साझेदार में हमने देखा कम से कम दो या अधिक से अधिक 20 और बैंकिंग व्यवसाय की दशा में 10 सदस्य हो सकते हैं। ये लोग आपस में मिलकर जो है पूंजी लगाते हैं। इसी प्रकार से सहकारी समिति में देखा हमने कि अधिकतम जो है इसमें गठन हेतु कम से कम 10 सदस्य हो सकते हैं। तो यहाँ पर चूंकि सदस्य संख्या सीमित होने के कारण पूंजी की कमी होती है, पूंजी की कमी के साथ साथ सीमित प्रबंध की योग्यता भी होती है। तो इस स्थिति में एक व्यवसाय में पूंजी की कमी व सीमित प्रबंध की योग्यता के कारण एकल स्वामित्व तो साझेदार सहकारी संगठन बड़े पैमाने पर व्यवसाय करने में सक्षम नहीं हो पाते। तो इस समस्या को दूर करने के लिए किसका जन्म हुआ, कंपनी का।
कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत जो है कंपनी की स्थापना की जाती है। कंपनी का जो अर्थ है यहाँ हम देखेंगे, कंपनी लाभोपार्जन हेतु व्यक्तियों का ऐच्छिक संघ है जिसमें पूंजी हस्तांतरण योग्य अंशों में विभाजित होती है। अंशों का स्वामित्व ही सदस्यों की शर्त होता है। तो यहाँ पर लाभ कमाने के लिए व्यक्तियों का एक ऐच्छिक संगठन है। कंपनी की पूंजी जो होती है वो छोटे छोटे भागों में अंशों में बटी होती है और ये भाग जो होते हैं कैसे हस्तांतरणीय योग्य होते हैं, अर्थात दूसरे को बेचे जा सकते हैं। अंशों का जिस पर भी जिसके पास अंश हैं वही उसका क्या होगा, स्वामी कहलाएगा। तो अंशों का स्वामित्व ही सदस्यता की शर्त है। फिर किम्बाल ने कहा है निगम प्रकृति से एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसे किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कानूनी अधिनियम द्वारा सृजित या अधिकृत किया जाता है। तो यहाँ पर निगम क्या प्रकृति से क्या है, एक कृत्रिम व्यक्ति है जो किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कानूनी अधिनियम द्वारा बनाया गया। फिर न्यायाधीश जेम्स ने कहा है कंपनी का आशय किसी समान उद्देश्य के लिए निर्मित व्यक्तियों के संघ से है। तो यहाँ पर कंपनी का जो आशय है किसी समान उद्देश्य के लिए निर्मित व्यक्तियों के संघ से है। फिर न्यायाधीश मार्शल ने कहा है कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जो एक अदृश्य तथा अमूर्त है तथा जिसका अस्तित्व केवल वैधानिक होता है। फिर भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी का आशय एक ऐसी कंपनी से है जिसका निर्माण या पंजीकरण इस अधिनियम या इसके पूर्व के कंपनी अधिनियम के द्वारा अंतर्गत किया गया है। तो वास्तव में क्या है, कंपनी का आशय व्यक्तियों के एक ऐच्छिक संगठन से है जिसका निर्माण लाभ प्राप्ति हेतु कानून के अंतर्गत किया जाता है। इसमें पूंजी प्रदान करने वाले व्यक्तियों अथवा स्वामियों के दायित्व सीमित होते हैं। कंपनी का अस्तित्व जो होता है वैधानिक होता है और एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में सार्वमुद्रक कॉमन सी के अंतर्गत संचालित होती है। इसकी पूंजी हस्तांतरणीय अंशों में विभक्त होती है। कंपनी किसी भी व्यक्ति पर, कोई भी व्यक्ति कंपनी पर मुकदमा चला सकता है। तो यहाँ हमने जाना कि कंपनी क्या है, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, कंपनी की पूंजी जो है वो छोटे छोटे अंशों में बटी होती है, ये अंश क्या होते हैं पूंजी के भाग होते हैं और ये अंश हस्तांतरणी होते हैं, अर्थात जो कंपनी का सदस्य है वो अपना हिस्सा अपना भाग अपने अंश किसी दूसरे को बेच सकता है। तो इस प्रकार का जो संगठन कहलाता है वो कहलाता है कंपनी। अब आगे हम जानेंगे कि कंपनी की विशेषताएं क्या क्या हैं, किसको हम कंपनी कहेंगे। तो जैसे कि सबसे पहली बात जो बताई थी कि कृत्रिम व्यक्ति, जिस प्रकार एक व्यक्ति जैसे हम आप हैं जो है मूल व्यक्ति कहलाते हैं, उसी प्रकार से यहां पर एक कृत्रिम व्यक्ति अर्थात एक व्यक्ति के रूप में कंपनी कार्य करती है। चूंकि कंपनी की स्थापना जो है कानून द्वारा होती है और इसका एक पृथक अस्तित्व होता है। पृथक अस्तित्व इसलिए कि जिनके द्वारा कंपनी की स्थापना की जाती है यदि वो लोग नहीं भी रहते उनके स्थान पर दूसरे आ जाते हैं तो भी कंपनी चलती रहती है, इसलिए यह पृथक अस्तित्व है। इसे एक कृत्रिम व्यक्ति माना गया है। व्यवसाय में इसे वह सब अधिकार प्राप्त होते हैं जो एक प्राकृतिक व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति किसी से अनुबंध कर सकता है, उसका अपना नाम होता है, उसकी अपनी संपत्ति होती है, किसी से रुपया उधार ले सकता है, अनुबंध कर सकता है, मुकदमा चला सकता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर कंपनी भी जो है वो ये कार्य कर सकती है, परंतु प्राकृतिक व्यक्ति की तरह वह साझेदारी में भाग नहीं ले सकता, कोई पैसा नहीं कर सकता, व्यवहार नहीं कर सकता, जेल में बंद नहीं हो सकता इत्यादि। तो इसलिए चूंकि ये व्यक्ति के समान व्यक्ति के समान अनुबंध तो कर सकती है तो ये एक कृत्रिम व्यक्ति कहलाती है। तो ये पहला बिंदु था। दूसरा है पृथक वैधानिक अस्तित्व, अर्थात ये एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में कंपनी का पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। इसका अस्तित्व जो है मालिक वंशधारियों से एकदम भिन्न होता है। इसकी परिसंपत्तियां व दायित्व इसके स्वामियों से पृथक एवं भिन्न होते हैं। कानून में व्यवसाय तथा अंशधारियों को एक समान नहीं माना जाता। फिर है 700 उत्तराधिकार। कंपनी का निर्माण चूंकि कानून द्वारा होता है इसलिए कंपनी का जीवन केवल अधिकृत कानूनी प्रक्रिया को निर्धारित कार्रवाई के द्वारा ही समाप्त हो सकता है। इसका अस्तित्व जो है यदि अंशों का हम हस्तांतरण कर देते हैं क्रय विक्रय से प्रभावित नहीं होता। कंपनी के अंशधारी की मृत्यु अथवा दिवालिया होने पर भी कंपनी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ सकता, अर्थात कहने का आशय यहाँ पर यह है
कि जिन सदस्यों के द्वारा कंपनी की स्थापना की गई है यदि वे सदस्य नहीं भी रहते, उनके स्थान पर दूसरे सदस्य आ जाते हैं, तो भी कंपनी जो है संचालित होती रहती है, हमेशा कंपनी चलती रहती है। इसके बाद अगला जो है गठन, कंपनी का जो गठन या निर्माण जो है एक समय लगने वाली महंगी एवं जटिल प्रक्रिया है। कंपनी को प्रारंभ करने के पहले हमें अनेक वैधानिक व अन्य आवश्यक कार्यवाहियों को करना पड़ता है। तो जो बताया था मैंने, एक कंपनी का भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकरण अनिवार्य होता है। यहाँ पर जो है कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत कंपनी का हमें पंजीयन करना होता है। स्वामित्व व प्रबंध में प्रत्येकता, कंपनी में इसके मालिक अर्थात अंशधारी कंपनी के अंशों को क्रय करके इसकी पूंजी में अपना योगदान देते हैं, परंतु प्रत्येक अंशधारी इसके प्रबंध में भाग नहीं लेता। अर्थात यहाँ पर जो लोग पूंजी लगाते हैं आवश्यक नहीं है कि वे प्रबंध के संचालन में भी भाग लें। कंपनी के प्रबंध का कार्य अंशधारियों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, जिन्हें हम संचालक कहते हैं, द्वारा संपन्न होता है। ये संचालक कंपनी के कार्यों के लिए अंशधारियों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार कंपनी में स्वामित्व व प्रबंध जो है वो भिन्न भिन्न होता है। अर्थात आवश्यक नहीं है कि जो पूंजी लगाते हैं वे प्रबंध भी का कार्य करें, ये आवश्यक नहीं है। फिर सीमित दायित्व, जैसे हमने देखा था एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय में, साझेदारी में, यहाँ पर जो है उनके असीमित दायित्व होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो होते हैं कंपनी के जो सदस्य होते हैं उनके दायित्व कैसे होते हैं, सीमित होते हैं। इसमें जो है इसमें कंपनी में लगाई गई पूंजी तक ही इनका दायित्व तो सीमित होता है। इसके अतिरिक्त कंपनी के देयों के लिए अंशधारियों को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। तो यहाँ पर जो इनके दायित्व हैं इनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक ही सीमित होते हैं। फिर सार्वमुद्रा, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, ये किसी प्रलेख पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते, इसलिए कानूनी रूप से ये आवश्यक है प्रत्येक कंपनी की एक सार्वमुद्रा कॉमन सील हो जिस पर उसका नाम होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो कंपनी की ओर से काम करता है उसके लिए आवश्यक है, वह कंपनी को के लिए जो है उसकी सार मुद्रा यहाँ पर कार्य करती है। इसके बाद यहाँ हम देखेंगे अंशों की हस्तांतरणशीलता। कंपनी की जो पूंजी होती है वो विभिन्न अंशों में विभाजित होती है और इन अंशों का क्रय विक्रय या हस्तांतरण बिना किसी रोक टोक के स्वतंत्रता के साथ किया जा सकता है। तो अंशों की हस्तांतरणशीलता अर्थात जो कंपनी की पूंजी के जो अंश हैं, पूंजी अंश जो है उनको, उनका क्रय विक्रय हस्तांतरण जो है सदस्य के द्वारा किसी को भी किया जा सकता है। फिर निर्दिष्ट कार्य क्षेत्र, कंपनी का जो निर्माण है किसी उद्देश्य से किया जा रहा है उसका कार्य क्षेत्र क्या होगा आदि बातें पार्षद सीमा नियम में लिखी होती है। पार्षद सीमा नियम में निर्दिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति तथा कार्य संचालन संबंधी नियम कंपनी के पार्षद अंतर नियम में दिए जाते हैं। तो इसका जो कार्य क्षेत्र होता है वो पार्षद सीमा नियम के अंतर्गत संचालित होता है। फिर अंशधारी एजेंट नहीं है। कंपनी के विपरीत, कंपनी साझेदारी के विपरीत कंपनी के अंशधारी इसके एजेंट के रूप में कार्य नहीं कर सकते, वे अपने कार्यों द्वारा कंपनी को बाध्य भी नहीं कर सकते। इसी कारण इसके अंशों का क्रय विक्रय देश में कहीं भी स्वतंत्रता पूर्वक करना संभव होता है। तो अंशधारी एजेंट नहीं। संपत्तियों पर स्वामित्व, यहाँ पर जो है अंशधारी कंपनी के मालिक अवश्य होते हैं परंतु वे किसी समय कंपनी की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं रखते। कंपनी का संपत्तियों पर स्वामित्व केवल कंपनी का होता है। तो यहाँ पर जो संपत्ति पर स्वामित्व है, अंशधारी चूंकि कंपनी के मालिक जरूर होते हैं परंतु ये कंपनी की संपत्ति पर अधिकार नहीं रखते। जो संपत्ति का जो स्वामी है वो केवल कंपनी ही होती है। फिर समापन विधि द्वारा, इसकी जो स्थापना तथा सम्मेलन की भांति इसका समापन भी भारतीय कंपनी अधिनियम में वर्णित विधियों द्वारा ही संभव होता है। तो यहाँ पर हमने ये जाना कि कंपनी की जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। कृत्रिम व्यक्ति कहलाता है, पृथक वैधानिक अस्तित्व है, शाश्वत उत्तराधिकार है, गठन किस प्रकार से होता है इसका, फिर स्वामित्व तथा प्रबंध में पृथकता, सीमित दायित्व हो गए, सार्वमुद्रा, अंशों की स्थानांतरणशीलता,
कार्य क्षेत्र निर्दिष्ट होता है, अंशधारी एजेंट नहीं है, संपत्तियों पर स्वामित्व की स्थिति क्या है और समापन इसका किस प्रकार होता है। तो ये हमने जानी यहाँ पर कंपनी की विशेषताएं। यहाँ पर कुछ अभ्यास के प्रश्न दिए हैं, सहकारी समिति से आप क्या समझते हैं समझाइए। प्रश्न दो है, सहकारी समिति की विशेषताओं को लिखिए। प्रश्न तीन है, सहकारी समिति के कौन कौन से प्रकार है उन्हें विस्तार से समझाइए। चौथा, कंपनी से क्या है उसकी